फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ, यहाँ पे ऑयल डाली हूँ, कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, मैं इसमें तेल डाली हूँ, तेल मेरा गरम हो गया है। अब हम इसमें चॉप की हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद चॉप के प्याज डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज को डाल रहे हैं, प्याज को डालकर थोड़ा सा इसको, इसके बाद हम बंदा गोभी डालेंगे, टमाटर डालेंगे, उबले हुए आलू डालेंगे, धनिया पत्ता, इसमें सारे मसाले को भी हम ऐड करेंगे, सभी को हम इसमें ऐड करके यहाँ पे गाजर को भी हम काट के रखे थे, गाजर को भी इसमें डाल के थोड़ा सा हम हल्का भून लेते हैं इसको, हल्का धीमी आंच पे इसको हम पकाएंगे। उसके बाद उबले हुए आलू को मैश करके रखे थे उसको हम डाल देते हैं, इस सब को हम हल्का धीमी आंच पे भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे, सभी को डालकर हम अच्छे से इसे भून लेंगे, पका लेंगे, ताकि जो मेरा मसाला का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम, तो देखिए यहाँ पे मेरा भुना गया है, अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर इसको उतार देंगे। यहाँ पे मेरा, मैं तवा चढ़ा दी हूँ, तवा मेरा गर्म हो गया है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ब्रेड पे जो टेक्सचर तैयार किए हैं इसको हम चम्मच से इसको चारों तरफ फैलाएंगे। और ब्रेड, दूसरा ब्रेड ब्राउन ब्रेड ही है, क्योंकि आज बाबू को स्कूल लंच में सोचिए आज सैंडविच ही दे देते हैं, डेली कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ का वैरायटी बनाकर देना ही पड़ता है, सोचिए सैंडविच और सॉस टोमेटो केचप दे देंगे। तो देखिए दूसरा ब्रेड इसमें भी हम लगा लेते हैं, इसको हम दोनों के साइड चिपका देंगे और तवा पे इसको हल्का, इसको हम धीमी आंच पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि अच्छे से आसानी से ये ब्राउन ब्रेड आसानी से खा भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है खाने में और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है, झटपट रेडी भी हो जाता है। बच्चों को डेली कुछ न कुछ इसका स्कूल से होता है कि कुछ न कुछ डेली वैरायटी हर चीज़ का इसको बना के अलग अलग तरह का चीज़ देना है। देखिए पक गया है मेरा, बन गया है, एक बनकर तैयार हो गया है, और दो तीन चार पांच और हम बना लेते हैं, क्योंकि घर में और हैं तो और लोग सब खा लेंगे, सुबह का नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। दूसरा उसी तरह से हम टेक्सचर को लगाकर दूसरा को भी हम डाल दिए हैं, तो देखिए ये भी बनकर मेरा तैयार हो गया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको बटर के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको हम पहले बना लेते हैं उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे, क्योंकि बटर लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा है तो इसको बटर, ऐसे भी इसको बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको हम बटर लगा कर दे देंगे तो अच्छे से ही खा लेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे तैयार किए जो बटर दिए थे, देखिए बनकर रेडी हो गया, देखिए कितना कुरकुरा देखने में भी लग रहा है, ऊपर से करारा। तो इस तरह से इसको हम चाकू से काट लेते हैं और काट कर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सारे आपको पास जितना वेजिटेबल आप डाल सकते हैं, मेरे पास तो मटर नहीं था तो नहीं डाले। देखिए इसको काट कर हम इसको, अब इसको लंच बॉक्स में यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और टोमेटो केचप दे देंगे। देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो आप लोग भी चाहे तो इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ फ्रेंड्स।